जब तक जिनकी लड़ाई उन्हीं की अगुवाई नहीं होगी, तब तक हम उस काम को ठीक से नहीं कर पाएंगे। सभी को जय भीम। मेरा नाम सुमन देवठिया है। मैं दलित वुमेन फाइट के साथ एज ए कोर टीम मेंबर काम कर रही हूँ। साथ में ही आगाज फाउंडेशन है, उसकी मैं मेन ट्रस्टी हूँ। राजस्थान में पिछले 18 वर्षों से दलित वंचित समुदाय महिलाओं बच्चों के मानवाधिकारों को सुरक्षित करने हेतु मैंने काम किया है। राजस्थान जैसा फ्यूडल स्टेट है, यहाँ पे जाति और पितृसत्ता बहुत मजबूती से जड़े जमाए हुए हैं। उस स्थिति में एक दलित होना और महिला होना उसके लिए और ज्यादा संघर्षशील बन जाता है। तो फैमिली से लेकर के बाकी के प्लेसेस में भी मुझे इस तरीके का स्ट्रगल करना पड़ा है। मेरी डाणे में दो बदमाश राजपूतों के छोरे जबरदस्ती रात में अपहरण करके ले गए और उसके साथ दूध ले जा करके बलात्कार किया। उसके बारे में हमने पुलिस को भी रिपोर्ट पेश की, मेरी पुत्रवधू को साथ ले जा करके। वहाँ की पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तब एक महीना लेट होने के बाद में हम फिर आके यहाँ जयपुर में सुमन जी की मार्फत से जब इनका जा करके चार सीट बना और पुलिस प्रशासन का मतलब दायन हाजिर किया, जो कुछ हुआ वो कर दिया। इनकी मेहरबानी से अपराधियों को पकड़ा और उनका चालान बाद में हुआ इनके प्रभाव से, नहीं तो हमारे को कोई नहीं सुनता, हम तो ठोकरे खा के परेशान हो गए थे। मैंने ये देखा कि जो सुमन जी का जो काम है, जो खासतौर पर दलित महिलाओं के साथ जो काम है, वो अपने आप में बहुत स्पेशल काम है। क्योंकि हम राजस्थान में अगर नजर घुमा के देखते हैं तो शायद हमें तो मतलब ऐसी महिलाएं नहीं दिखती है जो इस तबके की महिलाओं के लिए, इनके उत्थान के लिए, इनके समतावर्धन के लिए काम कर रही हैं। इसलिए इनका जो काम है वो एक विशेष काम है। राजस्थान में दो बार यात्रा मैंने किया है अपने नेतृत्व में, अपने साथियों के साथ में जाकर के। जो 20 जिलों में हमने यात्रा की है, गांव-गांव में, ढाणी-ढाणी में जाकर के हम लोगों के साथ में मीटिंग करते थे। हमारी महिलाओं को, जो समाज के लोग हैं उनको, जो प्रोग्रेसिव लोग हैं उनके साथ में मिलना है, पत्रकार लोगों के साथ में मिलना है, एक्टिविस्ट लोगों के साथ में मिलना है, जो लोकल मुद्दे निकल के आ रहे हैं उन मुद्दों के साथ में, प्रशासन के साथ में मिलना है, पुलिस के साथ में मिलना है। वहीं पे ही हम एडवोकेसी भी, उन केसेस भी करते थे ताकि लोकल लेवल पे ही उन मुद्दों को सुलझाया जा सके और उनमें न्याय में सपोर्ट किया जा सके। आगाज फाउंडेशन के माध्यम से हमने एक दलित महिला आजादी अभियान का शुरुआत किया है, जो वो अभी काम कर रहा है और नेक्स्ट फ्यूचर प्लान भी हमारे लिए वही है। हम चाहते हैं कि और अच्छे से इन दलित यूथ गर्ल्स जो ग्रास रूट लेवल से आती है, उनके लीडरशिप को मजबूत किया जाए, उनकी स्किल डेवलपमेंट किया जाए, ताकि वो ग्रास रूट पे रह करके वो अपनी कम्युनिटी के विकास के मुद्दों पे काम कर सके, वो उनके मानव अधिकारों को सुरक्षित कर सके, वो बाकी की बहनों को जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात कर सके। कोई भी हो, वो हर तरीके से उनको वहीं पे ही मदद करे।